दोस्तों, आप YouTube ब्लॉगिंग या ऑनलाइन अर्निंग की इस फील्ड में हैं, आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो आपको कभी न कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनकी ज़रूरत यहाँ पर जरूर पड़ती होगी। लेकिन यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट अपने सिस्टम में ओरिजिनल तौर पर यहाँ पर लेना चाहते हैं, उनका यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए आपको जो है अलग से पे करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर कई सिस्टमों में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं मिलते हैं और कई कंप्यूटर सिस्टम में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मिल जाता है। ऐसे में आपको यदि कोई इमरजेंसी काम आ गया और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को किस तरह से यूज कर पाएंगे, इसी के बारे में यहां पर आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेठ सोलंकी, आप देख रहे हैं सेठ टॉक चैनल, जहां पर आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग, मेकमनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज समय समय पर मिलते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, गूगल डॉक। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको पेड करने पर यूज करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। वहीं पर कुछ क्रेक वर्जन भी यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, जो कभी कभी आपको जो है यूज करने को मिल जाते हैं। लेकिन जो नई लेटेस्ट चीजें आती है वो जो है आपको यहाँ पर पैसे देकर यूज करना होता है। आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल नहीं है, ऐसे में आप गूगल डॉक का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल डॉक क्या होता है, गूगल डॉक को किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल डॉक को करते हैं ओपन। आपको जाना है गूगल में और यहाँ टाइप करना है गूगल डॉक और कर देना है एंटर। इसके बाद गूगल की ऑफिशियल साइट ही यही है गूगल डॉक के नाम से, ये जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि google.com डॉक्स के नाम से आपको जो है यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर जो है आपको गो टू डॉक्स वाला एक बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर जो है साइन इन भी कर सकते हैं। गो टू डॉक्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है गूगल डॉक्स में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको क्या यूज करना है, क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना है, तो वर्ड के फॉर्म में ही गूगल डॉक यहाँ पर चलता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज कर पाते हैं, वैसे ही आप गूगल डॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। आप जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं, उसी तरह से आप गूगल के शीट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेल यहां पर चला सकते हैं। आप जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर स्लाइड्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो है पावर पॉइंट वाले सारे काम आप कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म्स का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले चलते हैं गूगल डॉक्स में और देखते हैं यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर करने की है। यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि इसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है गूगल डॉक्स के नाम से, इसे जो है आप इंस्टॉल करके मोबाइल में भी अपनी ये सारी चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे कि आप गूगल वर्ड में यहाँ पर बना रहे हैं, आपको रिज्यूमे टाइप करना है, कोई भी लेटर टाइप यहाँ पर करना है, तो आप जो है यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, इन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ नया यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब एज इट इज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है, ये भी जो है यहाँ पर काम करता है। आपका डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये आपका A4 साइज का यहाँ पर पेपर है। अब यहाँ पर जो है आप कुछ भी चीजें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी लेटर आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ मैंने जैसे कि टाइप किया सेठ टॉक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और ओरिजिनल में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है। यहाँ पर यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आपकी होती है तो स्पेलिंग वगैरह भी ऑटोमेटिक सुधरती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर होता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को आप जो है पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। सपोज कि आपने जो भी आपका टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है वो पूरे पेज में लिख लिया है, और यहाँ पर जो है आप इसे अब सेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। यहाँ से जो है आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसे जो है छोटे साइज में आप देख सकते हैं, इसे जो है फिट साइज में यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे जो है बड़े साइज में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट के स्टाइल देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्टाइल्स दी गई है, आप इन्हें इस स्टाइल में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कोई हेडिंग देना है, कोई टाइटल देना है, इस तरह से आप जो है यहाँ पर इन्हें आराम से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप अलग अलग तरीके के फॉन्ट में इन्हें जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट को किस फॉन्ट साइज में आपको रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिखेगा इस टेक्स्ट को बोल्ड करने का, इस टेक्स्ट को इटैलिक करने का, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का। यहाँ पर किसी दूसरे फॉन्ट का हम यूज करके देखते हैं तो ये आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यहाँ पर लगा हुआ है।
बोल्ड रिमूव करने पर आपको टेक्स्ट इस तरह से दिखता है, इटैलिक रिमूव करने पर इस तरह से दिखता है, अंडरलाइन रिमूव करने पर इस तरह से दिखता है। यहां पर जो है आपको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपका जो ये टेक्स्ट है ये किस कलर में दिखना चाहिए वो जो है आप यहां से चूज कर सकते हैं, उस कलर में आपका टेक्स्ट दिखने लगेगा। यहां पर जो है आपका हाईलाइट कलर है, यानी कि आपका इसका बैकग्राउंड आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको लिंक का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, इसमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में आप कोई लिंक यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस टेक्स्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स वगैरह लिखने हैं, यहाँ पर जो है आपको गैलरी से कोई इमेजेस वगैरह यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो इमेज है वो इमेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और इसे भी आप चाहे तो छोटा बड़ा और जिस साइज में आप यहाँ पर रखना चाहे वो यहाँ पर जो है आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसे जो है आप किस साइड में एलिगन इसका रखना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी एलिगन लेफ्ट में है, इसका एलिगन आप सेंटर कर सकते हैं, इसी का एलिगन आप जो है राइट कर सकते हैं, और इसी का एलिगन आप जो है यहाँ पर जस्टिफाई यानी कि ओवरऑल पूरे पेज में यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको लाइन और पैराग्राफ के बीच में किस तरह का स्पेस रखना है वो भी जो है आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और भी ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कोई लिस्ट तैयार करनी है, डॉट्स वगैरह लगाने हैं, जैसे आप कोई नया टेक्स्ट यहाँ पर लिखने जाते हैं वैसे ही आपका जो है यहाँ पर लिस्ट बनते चली जाती है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर लिस्ट डॉट्स में नहीं चाहिए, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लिस्ट के अंदर सब लिस्ट आपको जो है रखनी है वो भी जो है आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इस तरह से आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया इसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर जो है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप अपने काम को अंडू और रीडू भी कर सकते हैं, यानी कि बैक साइड भी यहाँ पर जा सकते हैं, अपने जो भी काम का आपका क्रम था उसे जो है आप रिवर्स साइड में यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं, और अपने काम को आगे जाने के लिए रीडू बटन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप कंट्रोल वाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इन बटनों का प्रयोग कर पाएंगे जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको एक मेनू भी दिया गया है जिसमें आपको फाइल का ऑप्शन है, फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, उसके रीनेम करना है, इसी तरह से आपको एडिट करना है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अंडू और रेडू का ऑप्शन आपको बताया, कट कॉपी करना है, किसी टेक्स्ट को कहीं पेस्ट करना है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसे जो है सेलेक्ट करना है, आपको व्यूज यहाँ पर देखना है, कुछ नई चीजें इंसर्ट करनी है जैसे कि इमेज इंसर्ट करनी हो, आपको यहाँ पर टेबल वगैरह बनाने हो तो टेबल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ से जो है दो बॉक्स चयन करूंगा तो दो बॉक्स वाली यहाँ पर टेबल बन जाएगी, वहीं पर इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, मैं यहाँ पर जो है चार बॉक्स वाली इस तरह की टेबल मुझे चाहिए तो उस तरह का टेबल यहाँ पर आ जाएगा, और इस टेबल को आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। इंसर्ट में और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चार्ट वगैरह आप जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, इमोजी वगैरह यहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी इमोजी वगैरह आपको यहाँ पर चाहिए वो जो है आप यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाते हैं तो टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं, इसका साइज कम और ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ की स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, किसे टाइटल बनाना है, किसे हेडिंग बनाना है, किसे सब हेडिंग बनाना है, कॉलम्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं, आपको एक ही पेज में यहाँ पर दो कॉलम चाहिए, तीन कॉलम चाहिए, इस तरह की सारी सेटिंग यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगी, कई तरीके के टूल यहाँ पर मिल जाएंगे, वॉइस के थ्रू भी आप जो है यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, बोल कर भी टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ इस वॉइस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा, और जो भी आप यहाँ पर स्पीक करेंगे, जो भी चीजें आप यहाँ पर बोलेंगे वो सारी चीजें जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप होती रहेगी, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ यह यहाँ पर जो है टाइप कर दे रहा है, यहाँ पर आप हिंदी में, इंग्लिश में इस तरह से भी टाइप करवा सकते हैं। तो ये वॉइस कमांड वाला भी ऑप्शन यहाँ पर है। टूल्स में जाते हैं तो और भी कई तरह के टूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है, आप जो है किसी और लैंग्वेज में लिखकर अपने डॉक्यूमेंट को किसी और लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको हेल्प का भी सेक्शन देखने को मिल जाता है, किस तरह की हेल्प आपको ऑनलाइन यहाँ पर चाहिए तो आप जो है ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपकी गूगल ड्राइव में यहाँ पर सेव हो जाता है, यहाँ पर जो है इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करना है, दूसरे स्पेस में मूव करना है वो भी हो जाता है। यहाँ पर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसकी लगभग हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है कि कितने टाइम पर आपने जो है कितना कितना काम यहाँ पर किया था, ये जो काम वर्क किया था ये आपने जो है कितने बजे यहाँ पर किया था, इस तरह से जो है आपको यहाँ पर हिस्ट्री भी देखने को
मिल जाती है। यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करनी है तो ज्वाइन अ कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शेयर का भी बटन दिया गया है, इसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक के फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हैं। जिसे भी अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहे वो लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप गूगल डॉक्स के थ्रू एमएस वर्ड में जो भी चीजें यहाँ पर होती है वो सब यहाँ पर जो है तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बना सकते हैं। वापस से चलते हैं यहाँ पर गूगल डॉक्स पर, गो टू डॉक्स करते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर देखा ये था गूगल डॉक्स वाला फॉर्मेट, यहाँ पर जो है आपको शीट्स वाला फॉर्मेट भी देखने को मिलता है। शीट्स वाले फॉर्मेट में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ बाय डिफॉल्ट शीट्स जो है आपको देखने को मिलती है, इन्हें जो है आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। ब्लैंक वाली शीट में यहाँ पर हम जाते हैं तो जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसी तरह से आपकी जो है यहाँ पर शीट ओपन हो जाती है। यहाँ पर भी आप जो है शीट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको लिस्ट बनानी हो आप लिस्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, इन लिस्ट को यहाँ पर जो है आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपको जो लिस्ट बनानी है उस लिस्ट को भी आप जो है यहाँ पर इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। कोई टेबल में आपको जो है कलर लगाना है तो यहाँ पर जो है आप कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी स्पेशल रो में अलग से कलर लगाने हैं तो आप यहाँ पर जो है अलग तरीके के कलर लगा सकते हैं। इस तरह से अपना टेबल यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है इसमें आप कई तरह की एडिटिंग करना चाहे, जैसे यहाँ पर जो आपने काम किया उसको जो है आप अंडू करना चाहो, रीडू करना चाहो, उसका प्रिंट वगैरह निकालना चाहो तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आए आप इस सीट को जूम इन और जूम आउट यहाँ पर जो है कर सकते हैं। इसे जो है आराम से आप जिस भी साइज में इस सीट को देखना चाहते हैं उस साइज में यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी एक्सेल सीट है इसके बीच में बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट का साइज क्या रखना है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसे जो है बोल्ड साइज में चाहिए, इटैलिक चाहिए, यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो आपको क्या चाहिए वो जो है चूज कर सकते हैं। आपने जो टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड में क्या कलर चाहिए वो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर से बॉर्डर वगैरह जो अभी हमने यहाँ पर लगाई ये जो है आप यहाँ पर पूरे अपने डॉक्यूमेंट में यदि बॉर्डर लगाना चाहे तो पूरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो टेक्स्ट है उसे जो है आप एलिगन किस तरह से रखना चाहते हैं, उसका एलिगन सेंटर रखना चाहे, लेफ्ट रखना चाहे, राइट रखना चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी आप जो है वो सारे काम कर सकते हैं जो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट पे मोर का बटन दिया गया है, यहाँ पर जो है आप लिंक लगाना चाहते हैं, यहाँ पर जो है आप कुछ कमेंट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, चार्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर फिल्टर वगैरह लगाना चाहते हैं, फिल्टर के हिसाब से व्यूज वगैरह देखना चाहते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह लगाना चाहते हैं वो तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है फाइल मेनू देखने को मिल जाएगा जिसमें आप फाइल को नई फाइल को ओपन करना, इस फाइल को सेव करना, कुछ डाउनलोड करना, पुरानी फाइल को रीनेम करना कर सकते हैं। एडिटिंग में आपको अंडो रिडू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। व्यूज में आप यहाँ पर जो है इसे देख सकते हैं कि आपके जो सीट है वो किस फॉर्मेट में यहाँ पर बनी है, किस पेज पे साइज में बनी है। इंसर्ट में यहाँ पर जो है आप नई सेल इंसर्ट कर सकते हैं, नई रो बना सकते हैं, नए कॉलम्स बना सकते हैं, नई सीट्स यहाँ पर जो है बना सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, अपने पीसी कंप्यूटर से यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्मेट सेक्शन में नई थीम्स आप इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, नंबर्स वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, एलिगन को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं और भी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। डाटा वाला ऑप्शन दिया गया है, कुछ टूल्स यहां पर दिए गए हैं और कुछ एक्सटेंशंस दिए गए हैं, हेल्प का ऑप्शन भी दिया गया है। यहां पर आते हैं तो आपने कितने बजे अपना कौन सा वर्क यहां पर किया उसे जो है देख सकते हैं, किस तरह की हिस्ट्री देख सकते हैं और यहां पर जो है आप मीटिंग वगैरह कॉल के थ्रू यहां पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ आप यहाँ पर करेंगे ये जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव ही हो जाती है। वापस से चलते हैं हमारे गूगल डॉक्स में, यहाँ पर गो टू डॉक्स करेंगे और हम यहाँ पर आ जाते हैं डॉक्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर थ्री मेनू पर क्लिक करेंगे और स्लाइड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब ये जो फॉर्मेट है ये पूरा यहाँ पर आपका जो पावर पॉइंट चलता है उस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे मैंने पहले अपने दूसरे चैनल्स के लिए कई वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर यूज किए हैं और एजुकेशनल वीडियोस जो कि सेज द एडवांस एजुकेशन चैनल के लिए मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ एजुकेशनल वीडियोस उसके लिए यहाँ पर जो है शूट किए हैं वो जो है मैंने यहाँ पर पहले बनाकर भी रखे हैं। बाय डिफॉल्ट सारी चीजें यहाँ पर सेट हो जाती है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक वही लगता है, पहले से यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, इन फॉर्मेट को आप चाहो तो यूज कर सकते हैं या ब्लैंक फॉर्मेट को यहाँ से जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं सबसे पहले आप अपनी स्लाइड का स्टाइल आपको क्या रखना है, किस स्टाइल में जो है आप यहाँ पर स्लाइड्स बनाना चाहते हैं
वो जो है यहाँ से चूज करेंगे और इस स्लाइड के हिसाब से जो है यहाँ पर आप अपनी स्लाइड्स को डिजाइन करेंगे। जो भी डिजाइन आपको यहाँ पर बेस्ट लगता है उस डिजाइन को यहाँ पर चुनेंगे। आप यहाँ पर जो है टाइटल दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया सेज द एडवांस एजुकेशन इज माई सेकंड चैनल। अब यहाँ पर भी आपको सेम सारी चीजें देखने को मिलेगी। आप इस स्लाइड को नंबर आप लेआउट यहाँ पर जो है और चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते जाएंगे, नंबर ऑफ स्लाइड से आपकी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो है अंडू कर सकते हैं, रिडू कर सकते हैं, अपना प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से जो है वही जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे जो है कितना जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं, वो चीज देख सकते हैं। यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, कुछ नए टेक्स्ट आपको जो है कुछ नई जगह पर एड करना है तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो है इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, आप अपने कंप्यूटर पीसी से यहाँ पर जो है डाउनलोड करके अपनी ड्राइव से, फोटोज से यहाँ पर जो है या डायरेक्ट कैमरा से फोटोज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फोटो भी आप जो है इस स्लाइड में यूज कर पाएंगे। यहाँ पर जो है आपको कुछ शेप्स दिए गए हैं, इन शेप्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग शेप में आपको अलग अलग तरीके के डिजाइन देखने को मिलेंगे। जो भी आपका जो है यहाँ पर यूजफुल डिजाइन लगता है उस डिजाइन को जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और अपनी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ एरोज दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर केल्टोन दिए गए हैं और भी यहाँ पर जो है फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, इन्हें जो है आप यहाँ पर आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर जो कलर आपको चाहिए वो कलर जो है आप यहाँ से जो है फील करेंगे, वो कलर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इस तरह से आप जो है इन्हें यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको लाइन देखने को मिल जाए, जिस तरह की लाइन आपको यहाँ पर चाहिए उस तरह की लाइन वगैरह भी आप यहाँ पर एड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको अगेन प्लस का निशान देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर एक सेक्शन में आप कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड किस तरह का आपको चाहिए, बैकग्राउंड का कलर किस तरह का चाहिए वो जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। लेआउट आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसी सेम टेक्स्ट में आपको जो है किसी और तरीके का लेआउट यहाँ पर चाहिए तो उस तरीके का लेआउट आप चुन सकते हैं। यहाँ पर जो है थीम का ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक टेक्स्ट या किसी एक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ अलग तरीके के मेनू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट का फॉन्ट क्या लिखना है, फॉन्ट का साइज क्या होगा और यहाँ पर मोर वाला ऑप्शन है जिसमें कि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और आपका टेक्स्ट का कलर क्या होगा और इसके बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, लिंक क्या लगेगी, एलिगेंट सेंटर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, इस तरह की सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करें मेनू की तो फाइल मेनू में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि नई फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, इसे ईमेल के थ्रू भेजना है, इसे डाउनलोड करना है, इसे रीनेम करना है, किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है। एडिट वाले ऑप्शन में आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मोशंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के मोशन आप लगा सकते हैं, एक थीम पर, एक पर्टिकुलर साइट पर आपको कितने टाइम यहाँ पर बोलना है उस हिसाब से भी आप जो है स्लाइड को यहाँ पर जो है चला सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन है तो यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट में किस तरह के फॉर्मेट वगैरह लगाने हैं, एलिगन किस साइड आपको चाहिए, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। स्लाइड में आपको किस तरह की कुछ नई स्लाइड एड करनी है यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। अपनी स्लाइड का ऑर्डर आपको जो है अरेंज करना है, फर्स्ट में किसे रखना है, सेकंड में किसे रखना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट तौर पर भी आप अपने स्लाइड का क्रम है वो यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको किसे रखना है, सेकंड पे आपको किसे रखना है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड शो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी स्लाइड शो करवा सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। स्किप बटन पर क्लिक करके आप रिटर्न अपने इस गूगल डॉक्स वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर गूगल डॉक के थ्रू स्लाइड का प्रयोग करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वापस से गूगल डॉक्स वाले ऑप्शन में चलते हैं, गो टू डॉक्स वाले पर क्लिक करते हैं तो एक चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर रह गया है जो है फॉर्म्स का। फॉर्म्स वाले में आप बाय डिफॉल्ट फॉर्म्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं कि आपको किसी एम्प्लॉई को यहाँ पर हायर करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आप चार ऑप्शन दे सकते हैं या थ्योरी के तौर पर उन्हें यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म है, RSPB के थ्रू फॉर्म है, पार्टी इन्वाइट वगैरह के फॉर्म है, टी शर्ट साइनअप वाले फॉर्म है, तो यहाँ पर जो है आप बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म दिए गए हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं या चाहे तो यहाँ पर ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपने फॉर्म का टाइटल दे देंगे, अनटाइटलेड फॉर्म सेस मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसे चाहे तो यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ लिंक वगैरह दे सकते हैं।
या आपने जो भी अभी तक यहाँ पर चीजें की उसे जो है आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो टाइटल दिया है उसके नीचे आप कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट वगैरह में देते हैं जो मेन हमारी हेडिंग रहती है उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन और उसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर जो है अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसके ऑप्शन देंगे, और ऑप्शन देने हैं तो यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और ऑप्शन आपको देना है तो ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप जो है इनके यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं और इसे जो है सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको मल्टी चॉइस टाइप का फॉर्म बनाना है, यहाँ पर जो है आपको चेक बॉक्स वाले टाइप का फॉर्म बनाना है, यहाँ पर जो है आपको ड्रॉप डाउन मेनू टाइप का फॉर्म बनाना है, वो जो है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। नया कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड क्वेश्चन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट क्वेश्चन, आपको कोई बाहर से आपने टाइप करके रखा है वो क्वेश्चन वगैरह इम्पोर्ट करने हैं वो कर सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको बीच में कहीं और ऐड करना हो तो कर सकते हैं। कुछ इमेजेस वगैरह लगाना चाहे, कुछ वीडियोस वगैरह लगाना चाहे, या फिर कुछ नया सेक्शन वगैरह आपको यहाँ पर चाहिए, ये एक सेक्शन पूरा हो चुका है तो दूसरा सेक्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको जो आपके क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए हैं उसका जो रिस्पांस क्या आया वो रिस्पांस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी सेटिंग वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको जो क्विज वगैरह आपने दिए हैं, जो फॉर्म आप लोगों से फिल करवा रहे हैं, उनमें जो है क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको कस्टमाइज थीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये थीम आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप यहाँ पर जो है अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस थीम का कलर वगैरह आप यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं, और इस तरह से कुछ नई थीम भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो आपने फॉर्म भरा है उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रीव्यू आएगा। यहाँ से जो है आप अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, इस फॉर्म को कहीं सेंड करना चाहे तो सेंड कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं गूगल डॉक वाली साइट पर। तो इस तरह से आप गूगल डॉक की साइट पर आकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो काम होता है वो डॉक्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो काम होता है वो शीट्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो काम होता है वो स्लाइड्स के थ्रू, और एक एक्स्ट्रा और फॉर्म्स वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है जो आप अपने ऑफिस वर्क के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ फीचर्स का ऑप्शन भी दिए गए हैं कि क्या क्या फीचर्स जो है गूगल डॉक के थ्रू आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। कुछ सिक्योरिटी और प्राइसिंग वाला ऑप्शन भी है, यदि आप यूज करना चाहे तो यहाँ पर जो है प्राइसिंग वाले ऑप्शन भी और ऑप्शन को यूज करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। आप वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर गो टू डॉक्स करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर बनाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो शीट्स वाला डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था वो जो है हमें यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। जो स्लाइड वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर बनाया था पावर पॉइंट टाइप का, वो जो है हमें यहाँ पर जो है लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो फॉर्म वाला ऑप्शन है वो भी हमें जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपका कोई इमरजेंसी का काम हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को सीखना चाहते हैं तो भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हो तो वो भी आप इसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये आपको हेल्प करेगा यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं है तो, या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को सीखना चाहते हैं और आपके पास कंप्यूटर या सिस्टम नहीं है, ऐसे में भी आप इसे जो है मोबाइल के थ्रू भी यूज करके इसके सारे फंक्शंस को चलाकर देखकर सीख सकते हैं। तो ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।